बांगनाथ फल कल्याण समिति ने नगर क्षेत्र में लोगों को मास्क मुहैया कराते हुए जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया है। फल कल्याण समिति ने लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। समिति के अध्यक्ष किशन राम और महामंत्री भीम कुमार के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने नगर में ध्वनि विस्तारक यंत्र के जरिए लोगों से जागरूक रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी नियंत्रण से बाहर हो चुकी है, ऐसे में लोगों की समझ व आपसी समन्वय से ही इसे नियंत्रित किया जा सकता है। समिति ने लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। सदस्यों ने नगर में मास्क का भी वितरण किया। जिला न्यायालय के अधिवक्ता धीरज कोरंगा ने समिति को निजी खर्च पर मास्क मुहैया कराए थे। समिति ने उनका आभार व्यक्त किया है। देखिए कि आज ये विश्व महामारी के दौर पर चला हुआ है, आज बागनाथ फल व्यवसाय कल्याण समिति द्वारा जागरूक रैली निकाली गई, जिसमें कि मास्क और सैनिटाइज के बारे में बताया गया और मास्क भी वितरण किया गया। और आज समिति द्वारा गिलोना से लेके मंडलसरा होते बाईपास होते हुए पूरे बागेश्वर में ये अभियान चलाया गया और मास्क भी वितरण किया गया। देखिए, आज बागनाथ फल कल्याण समिति बागेश्वर द्वारा पूरे नगर क्षेत्र में एक अभियान चलाया गया, एक जागरूकता अभियान। आप सभी को पता है कि वैश्विक महामारी से इस समय संपूर्ण विश्व जो है वो त्राही त्राही कर रहा है, और इसी को लेकर हमने आज नगर क्षेत्र में सभी लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास किया है कि भैया आप अगर बागेश्वर नगर क्षेत्र में आते हैं तो आप मास्क पहन के आइए, आप सामाजिक दूरी का पालन कीजिए और अपने हाथों को धोते रहें और कोशिश कीजिए कि एक दूसरे के संपर्क में ना आए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हमने नगर क्षेत्र में एक अभियान चलाया है जो हमारा मुझे लगता है कि सफल हुआ। CGN News के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।